तो फाइनली एक कमाल धमाल का पेपर व्यू रॉयल रंबल खत्म हो चुका है। आज हम उसके विनर्स देखेंगे कौन सारे मैचेस में जीता। तो शो की स्टार्टिंग में मैच होता है मेन इवेंट वाला, रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस। बहुत ही सही मैच था। स्टार्टिंग रोमन रेंस करते हैं अपनी एंट्री, फिर सेथ रॉलिंस आते हैं शील्ड के म्यूजिक के साथ और शील्ड की ड्रेस में ही वो एंट्री करते। पूरा मैच ही बहुत मस्त था। सेथ रॉलिंस ने बीच में पावर बॉम्ब भी दिया था रोमन रेंस को अनाउंसर्स डेस्क पे, और फिर बहुत ही सही फिनिशर्स भी दिए थे रोमन रेंस ने, लेकिन लास्ट में डिस्क्वालीफाई हो गया ये मैच। रोमन रेंस अपना सबमिशन लॉक से हटे ही नहीं क्योंकि सेथ रॉलिंस ने रोप ब्रेक कर दी थी, और इसी तरह लास्ट में ये DQ से रोमन रेंस हार गए मैच, लेकिन उन्होंने टाइटल रिटेन कर लिया। उसके बाद रोमन रेंस रिंग साइड में जाके चेयर लेते हैं और फिर सेथ रॉलिंस को वही अपना एक हिस्ट्री सीन रिक्रिएट करते हैं जब सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को चेयर मारी थी बहुत सालों पहले। आज रोमन रेंस ने वैसा ही सेथ रॉलिंस के साथ करा। आप सबको क्या लगता है कि ये डिसीजन सही था DQ वाला? मेरे हिसाब से अगर स्टोरी लाइन की आगे शायद अब चलेगी भी नहीं, क्योंकि रॉयल रंबल का विनर कुछ अलग ही निकल के आया, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगला मैच जो होता है वो होता है 30 वुमेंस रॉयल रंबल मैच। इसमें सबसे पहले एंट्री करती है साशा बैंक्स, सेकंड नंबर पे मेलिना जो NWA और इम्पैक्ट रेसलिंग का पार्ट है, जो फॉरबिडन डोर जो पुणे है वहाँ, इसलिए वो आई थी। और इसमें मेलिना को तो साशा बैंक्स बहुत ही जल्दी एलिमिनेट हो जाती है। और 6 नंबर पे मेरी प्रेडिक्शन लिव मॉर्गन भी आई थी जो भी रॉयल रंबल नहीं जीती, और निक्की बेला 24th नंबर पर आई थी। और बीच में जब सारे लोग आ गए थे तब निक्की बेला और ब्री बेला ने लास्ट में निक्की बेला को निकाल दिया। और द मोस्ट अवेटेड रिटर्न 28 नंबर पे रोंडा राउजी अपना रिटर्न फाइनली कर लेती है। और लास्ट में शार्लेट फ्लेयर की बहुत डोमिनेंस दिखी, उन्होंने बहुत सारे बंदों को एलिमिनेट करा। लास्ट में राउडी रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर का फेस ऑफ भी हुआ क्योंकि वही दोनों लास्ट में बचे थे। और उस टाइम पे मैं तो बस यही सोचा था कि फिर से शार्लेट फ्लेयर ना जीत जाए जैसे वो 2 साल पहले भी रॉयल रंबल जीती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोंडा राउजी रॉयल रंबल जीती और फाइनली रोंडा राउजी वर्सेस बेकी लिंच हमें देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 38 में। नेक्स्ट मैच जो हुआ उसमें बहुत लोगों को इंटरेस्ट था भी नहीं, बेकी लिंच वर्सेस डूड्रॉप फॉर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच। और इसमें सीधा रिजल्ट पे ही चलता है कि बेकी लिंच ने अपना टाइटल रिटेन कर लिया। और अब बारी आती है द ड्रीम मैच, द ऑलमाइटी वर्सेस द बीस्ट इनकार्नेट, बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। इसमें बहुत ही मस्त मैच था। बीच में ब्रॉक लेसनर को हर्ट लॉक भी लगा देते हैं, बहुत ही मुश्किल से ब्रॉक लेसनर हर्ट लॉक से छूटते हैं और फिर बॉबी लैशली को ब्रॉक लेसनर F5 के लिए उठाते हैं। तब बॉबी लैशली का जो पैर है वो रेफरी को लग जाता है और रेफरी आउट हो जाते हैं रिंग के। जब रेफरी आउट होते हैं तब ब्रॉक लेसनर ने पिन भी करा होता है बॉबी लैशली को, जो क्लियरली 3 पिन हो जाता है, लेकिन फिर एकदम से सरप्राइजिंगली रोमन रेंस आ जाते हैं और वो आउट ऑफ नो वेयर ब्रॉक लेसनर को स्पीयर लगा देते हैं और फिर वो पॉल हेमन से WWE चैंपियनशिप लेते हैं ब्रॉक लेसनर की और उससे ही ब्रॉक लेसनर के सिर पे मारते हैं, जिससे बॉबी लैशली आराम से ब्रॉक लेसनर को पिन करके जीत जाते हैं। और लास्ट में पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के साथ नहीं रोमन रेंस के साथ जाते हैं। अब होता है मिक्स टैग टीम मैच जो होता है एज एंड बेथ फिनिक्स वर्सेस मेज एंड मरीज। ये मैच भी इंटरेस्ट तो नहीं था लेकिन ये मैच बहुत ही मस्त गया था। लास्ट में दोनों कपल एक दूसरे को मूव भी देते हैं, मरीज ने हरिकेन राना भी दिया एज को और बेथ फिनिक्स ने भी मेज को बहुत मारा था, लेकिन लास्ट में एज और बेथ फिनिक्स दोनों एक डबल स्पीयर देते हैं मेज को और दोनों मेज और मरीज को वो पावर बॉम्ब दे के पिन कर लेते हैं। और अब बारी है द मेन्स रॉयल रंबल मैच जो मेन इवेंट हुआ आज का। जो सबसे पहले एंट्री हुई थी वो हुई थी एज स्टाइल्स की और दूसरे नंबर पे शिंस्के नाकामुरा की। इसमें भी बहुत सरप्राइजेस रिटर्न जो रूमर थी वही हुई, जैसे बैड बनी ने रिटर्न करा, शेन मैकमैन ने रिटर्न करा, लेकिन कर्ट एंगल वापस नहीं आए। 30 नंबर पे जो एंट्री लेते हैं वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, वो आते हैं और सबको बाहर निकाल के वो जीत जाते हैं। लास्ट में ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकइंटायर का फेस ऑफ भी होता है, जैसे हमने रेसलमेनिया 36 में भी देखा था इन दोनों का मैच हुआ था और वैसे इनका फेस ऑफ भी होता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर ड्रू मैकइंटायर को बाहर निकाल के जीत जाते हैं रॉयल रंबल। और अब कंफर्म ही हो गया ऑलमोस्ट कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप होने वाला है रेसलमेनिया 38 का मेन इवेंट फिर से। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी करना।